दिल्ली में सडनली टेम्परेचर डाउन होने से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसके बारे में कुछ सुझाव देंगे आप? दिल्ली क्या पूरे नॉर्थ इंडिया में हमेशा होता है और एकदम डाउन होता ही है हमेशा दिसंबर जनवरी में, और उससे हमेशा हम ये पढ़ते हैं कि उसमें 10 लोग की डेथ हो गई या 20 लोग की भी डेथ हो गई कोल्ड वेव से। तो ये तो बहुत आम है और इतने सालों से चला ही आ रहा है, तो इसके लिए पहले से प्रिकॉशन लोगों ने, गवर्नमेंट कहती है कि शेल्टर होम्स बना रखे हैं वो और बनाने चाहिए, और लोगों को अवेयर करना चाहिए जो बहुत गरीब है कि इतनी ठंड में आप बाहर मत सो, या पूरे लोग फुटपाथ पे रात को भी सोए मिलते हैं, तो उनको अवेयर करना चाहिए, एनजीओस को अवेयर करना चाहिए उन लोगों को। केजरीवाल सरकार ने जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट बनाया है, ये आपको क्या लगता है कि कितना सफल है? ऐसा जब गवर्नमेंट हमारे को क्लिनिक खोलने को नया डॉक्टर जाता है तो उसके आगे कम से कम 50 टर्म्स कंडीशन रख देती है, इतना एरिया होना चाहिए, इतना वेंटिलेशन होना चाहिए, फर्स्ट एड का बॉक्स होना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, क्वालिफाइड कंपाउंड होना चाहिए, इतना कि वो फिलफिल ही नहीं कर सकता। तो वो उस तरह की जो उनके क्राइटेरिया उसमें वो मोहल्ला क्लिनिक मैंने नहीं देखी आज तक, लेकिन वो उसको फिल गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, क्वालिफाइड हर क्लिनिक में राउंड द क्लॉक होना चाहिए, वो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट इकोनॉमिकली प्रोवाइड कर पाएगी, वो स्टाफ प्रोवाइड कर पाएगी। वहां पे एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, इमरजेंसी को शिफ्ट होने की होनी चाहिए, और वहां अगर इमरजेंसी में डॉक्टर देख भी लेता है तो ऐसा कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि नियर बाई बड़े हॉस्पिटल में वो रेफर करे तो वहां एडमिट हो जाए, वो होता ही नहीं है कि बेड नहीं है। 90% सीरियस पेशेंट को कहते हैं वेंटिलेटर नहीं है या हार्ट अटैक है तो हमारे पास बेड खाली नहीं है, गवर्नमेंट का यही जवाब था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। तो प्राइमरी अगर बढ़ाने से जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर है वो जब तुम्हारी अच्छी नहीं होगी तो इस प्राइमरी केयर का कोई यूज नहीं है। सर आप एक अच्छे डॉक्टर तो हैं, साथ में आप कुछ और भी एक्टिविटी जो करते हैं उसके बारे में बताएं। एक्चुअली आई एम फिल्म राइटर एसोसिएशन मेंबर ऑफ फिल्म राइटर एसोसिएशन मुंबई एंड फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई, और उसके लिए मैंने दो पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एक मैंने डायबिटीज की बनाई थी द साइलेंट किलर, और एक हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के लिए बनाई थी, एक फिरदोसी अपने लिए बनाई थी जो मेरे लाइफ के ऊपर बनी है 20 मिनट्स की, तीन डॉक्यूमेंट्री में बनाई थी। एंड अब मैं एक पूरी आई हैव राइटन ए स्क्रिप्ट फॉर फुल फ्लैश फीचर फिल्म, और उसका नाम है तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, जो मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर है और मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, उसी के ऊपर मैंने किताब भी लिखी है द लास्ट राइड, जो पैट्रेज इंडिया जो पेंगुइन की ब्रांच है इंडिया में उससे यूएस से पब्लिश हुई है, और वो अभी इज अवेलेबल और अमेजोन किंडल और फेसबुक सब पे अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और वर्ल्ड के अंदर यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, और हमने वर्ल्ड इज अवेलेबल, और ये बुक री इनकारनेशन के ऊपर है और ये रियल लाइफ स्टोरी है, और अभी वर्ल्ड बुक फेयर में भी इसका स्टॉल लगा है, वहां पे भी अवेलेबल है।